ये मुदसर भाई का नंबर किसने दिया है उसको? तुमने शहनाज? नहीं, मैंने दिया। बाहर मिले थे आतिफ भाई, बहुत परेशान थे बेचारे। जो हुआ सो हुआ। अच्छा हुआ उसने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया है, अरसला क्या चाहती है। और खबरदार खबरदार नहीं मां, आईंदा मैं तुम्हारे मुंह से अरसला की बुराई ना सुनूं, समझे? अरे ये जो ऐशो आराम है ये सब उसकी वजह से है, शर्मानी चाहिए। अरे हद होती है एहसान फरामोशी की। अबे ओ शहजादे, तुम्हारी पढ़ाई भी ठीक चल रही है कि नहीं? जी अच्छी जा रही है। हाँ अच्छी जा रही है। ये जब नतीजा आएगा ना बेटा, फिर पूछूंगा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम? ठीक। क्या नाम था तुम्हारा? अरसला। ओ हाँ अरसला, तुम खाना तो भाई बहुत अच्छा बनाती हो, तुम्हारे हाथ में जायका है। वैसे हसीना है बहुत खुशनसीब जो तुम जैसी लड़की मिली। शुक्रिया। वैसे तुमने घर को भी कितना अच्छा संभाल लिया, वरना पहले तो बहुत बुरा हाल था। दरअसल हसीना जो है ना बहुत बदमिजाज है, कोई लड़की इसके पास नहीं टिकती। लेकिन तुम बड़ी हिम्मत वाली हो जो काम कर रही हो यहाँ पर। अच्छा ये बताओ हसीना कहाँ है? हसीना चाची बाहर गई है काम से, मगर आप अंदर आइए ना, वो बस आती ही होंगी। नहीं नहीं मुझे भी काम है, मैं चलती हूँ। अच्छा अच्छा सुनो ये कार्ड रख लो मेरा। तुम्हें हसीना जो सैलरी देती है ना उससे 6-7 हज़ार रुपए ज्यादा दूंगी, और माहौल भी यहाँ से अच्छा होगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी वहाँ। तुम जब आना चाहो मेरे घर आ सकती हो, मुझे खुशी होगी, समझी? जी। तो मैं चलती हूँ, हसीना को बता देना कि मैं आई थी। ओके जाने भी दो। नहीं माँ, अपने अब्बा की आदत से तो तुम वाकिफ ही हो, उन्हें तो आदत है बोलने की, और तुमने भी तो हद कर दी, खामखा अरसला की शिकायत कर दी। उसे भला वो कुछ कहेंगे थोड़ी, सारा बोझ उसने उठाया हुआ उनका, उसी की वजह से तो आज हम इस घर में चैन से बैठे हैं। अरसला को आप इतना सर पर ना चढ़ाएं। इस दुनिया में कितनी लड़कियां जो नौकरियां करती हैं लेकिन उन सबको अपनी मनमानी करने का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। और उसने आतिफ से बात कैसे की? हाँ उन दोनों का ताल्लुक खत्म हो चुका है, कोई रिश्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी बात कर रहे हैं। अरे अरसला की फिक्र करना तुम छोड़ दो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। मत जलाओ तुम आतिफ के पीछे अपना दिल, अभी नया नया दुख है उन दोनों का, तुम समझने की कोशिश करो, कुछ वक्त तो लगेगा ना संभलने में। और वैसे भी आतिफ तो है ही जज्बाती, और अरसला के मामले में तो और भी जज्बाती हो जाता है,
आतिफ के दिल से अरसला की मोहब्बत नहीं निकलेगी, और ये बात वो खुद अपने मुंह से कहता है कि उसका रिश्ता कोई खत्म नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अब्बा भी नहीं। उसके कहने से क्या होता है कि रिश्ता खत्म हो चुका है, और यही हकीकत है। एक बात याद रखना नेमा, मर्द चाहे कितना भी चाहने वाला क्यों ना हो, वो ज्यादा देर तक औरत का इंतजार नहीं कर सकता, और वो भी नहीं करेगा। मैं वापस नहीं आना चाहती, ये नौकरी और ये पैसे मेरे लिए बहुत है। तुम्हारी नजर में पैसों से बढ़कर किसी चीज की कोई अहमियत नहीं, इसके बाद हर गुंजाइश खत्म हो जाती है, और हमारी मोहब्बत भी। किसी एक के होने या ना होने से जिंदगी रुकती तो नहीं है ना। गुड्डू गुड्डू कहाँ जा रहे हो? पहले जाके नईमा को खाला के घर से ले आओ, अकेली वो किसके साथ आएगी? आ जाएगी, ये आतिफ भाई छोड़ देंगे, अब तो रोज ही जाने लग गई है, आप मना क्यों नहीं करती? इस तरह किसी गैर के यहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। अरे मेरी बहन का घर है, कोई गैर थोड़ी है वो, और तुम कुछ बहुत ज्यादा बुड़बुड़ नहीं करने लग गए हो? आप लोग अभी कुछ पता नहीं है, अब इतनी मोहब्बत जागी है सुरैया खाल और आतिफ भाई से, पहले क्या था जो। किसका फोन है? पता नहीं। हेलो, अरे अरसला बाजी, सलाम अलैकुम। खाला, शाम के लिए खाना तैयार हो चुका है और घर के सारे काम भी मैंने खत्म कर दिए हैं, अब बस मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। क्या तुम बस काम करने आती हो? कभी तो घड़ी बैठ भी जाया करो आराम से, छोड़ूंगा तुम्हें। सही तो कह रहे हो आतिफ, जल्दी क्या है, बैठो ना थोड़ी देर। दुनिया होती हो ना बेटा तो घर में बड़ी रौनक हो जाती है, मेरा भी दिल लगा रहता है। घर में सब ठीक है ना अम्मा? आप सबकी बहुत याद आ रही है। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो बेटा, तुम हमें भी बहुत याद आती हो, लेकिन हमारी मजबूरी तो तुम जानती हो ना। फिक्र मत करो, मैं नईमा से कहूंगी, वक्त निकाल के तुमसे बात कर लेगी। तो अभी बात करा दे, इसी बहाने उसकी आवाज ही सुन लूंगी। अरे वो तो सुरैया बाजी के यहाँ गई है, रोजाना वही चली जाती है, घर में उसका दिल ही कहाँ लगता है। खाला मैं यहाँ आती किस वजह से हूँ? आप ही के लिए तो आती हूँ। मैं जानती हूँ मुझे काम इतने ठीक से करना नहीं आते, लेकिन बस मेरा दिल नहीं मानता कि मैं आपको इस तरह अकेला छोड़ दूँ। क्यों नहीं आते तुम्हें काम करने? सारे काम तो माशाल्लाह इतने अच्छे से कर लेती हो अब तो। सच कह रही हूँ बेटा, अगर मेरी सगी बेटी भी होती ना तो शायद मुझे इतना आराम नहीं देती जितना तुमने दिया है। तुमने तो मुझे बिल्कुल ही पलंग पर बिठा दिया है। ठीक कह रही हैं अम्मी, तुम वाकई बहुत बदल गई हो। कभी कभी तो मुझे भी बहुत हैरत होती है, वो लड़ाका बदतमीज हर बात पे शिकायतें करने वाली लड़की नहीं रही हो आप, बिल्कुल अरसला जस। जैसी
नहीं, गलती से मेरे मुंह से निकल गया था। अल्लाह ना करे तुम्हारी सलाह जैसी हो। वो तो आजकल कुछ और ही हवाओं में। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। खाला की तबीयत तो ठीक है ना अम्मा? सच बताइए। हाँ हाँ सब ठीक है। मैं ही भिजवा देती हूँ नईमा को, जरा सैयबा जी का हाथ बटा देती है। और क्या? और अब्बा? वो नहीं मना करते नईमा को। अम्मा उन्हें तो खाला के यहाँ जाना पसंद ही नहीं था। मैंने तुम्हारे अब्बा को समझा दिया है। तुम्हारे जाने के बाद नईमा भी तो बिल्कुल अकेली रह गई थी ना। अरे बच्ची है ना, दिल तो घबराएगा। एक खाला का घर ही तो है, और तो कोई है नहीं रिश्तेदार। जी अच्छा, फिर भी मैं उसको कहूंगी, वक्त निकाल कर तुमसे बात कर लेगी। टेलीफोन तो खुला हुआ है ना वहाँ का? मैं खुद बात कर लूंगी अम्मा, ये मेरा नंबर है। मदरसे चाचा ने फोन लेके दिया है, जब दिल चाहा बात कर लिया करूंगी। फोन बहुत महंगा होगा ना। हेलो हेलो, अस्सलाम बेटा, मुझे आवाज नहीं आ रही है। मेरी अरसला तो बहुत ही साबिर, बड़े हौसले वाली बच्ची है। अब देखो ना, वो घर वालों ही के लिए इतने। मम्मी ने हजार दफा मना किया ना आपको, मेरे सामने अरसला की तरफदारी मत की करें। अब खाला मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। चलो जी फिर। चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। आओ मेरे साथ। मैं चलती हूँ। जाओ बेटा, खुदा हाफिज़। बड़ी मेहरबानी। अभी रंगीले जी साहब, ये देखो घर एकदम से नया हो जाना चाहिए। जी जी, अच्छा रंग करना यार। हैं, पैसे भी मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी का दूंगा और आज ही दूंगा। ठीक है साहब, समझे? शाबाश शाबाश। तुम्हें एक बात बताऊं? खैर छोड़ो, बेकार की बात। नहीं नहीं बताओ, मैं सुन रहा हूँ, बोलो क्या बात है। छोड़ो ना, कुछ खास नहीं है। और वैसे भी अरसला का नाम सुनकर तुम्हें बुरा लगता है? अब नहीं लगता, भूलता जा रहा हूँ उसे, बल्कि भूल चुका हूँ। हाँ बताओ क्या कह रही थी? तुम भी ना बस एक बात के तो पीछे ही पड़ जाते हो। अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ, जब मैं छोटी थी ना तो हर कोई अरसला से ज्यादा मोहब्बत करता था, उसे ज्यादा अच्छा समझता था। अम्मी की लाडली थी, हर काम झटपट कर देती थी ना अम्मी के। उसे हमेशा से हर किसी का दिल जीतना आता था, और मैं निकम्मी, कोई काम ढंग से नहीं करना आता, हमेशा अम्मा की झटकियां खाती थी। तुम बहुत सीधी सादी हो नईमा, मैंने भी अब जाना। लेकिन हर कोई अरसला को ज्यादा नजर में रखता था, बोलता था ज्यादा हुनरमंद है, हसीन है, खुदगर्ज, लालच की मारी, बेहिस और बेशर्म। क्या जरूरत थी अरसला को नया फोन लेने की? पता नहीं कितने का आया होगा, मुझे तो फिक्र हो रही है कहीं सारी की सारी तनख्वाह इस फोन के चक्कर में ही ना कट जाए। तुमने अच्छी तरह से मना करना था ना उसको, अरे इस तरह की फजूल खर्ची करेगी तो क्या बनेगा हम सबका।
अरे वो कह रही थी कि मुदस्सर भाई ने अपनी तरफ से तोहफा दिया। काम बहुत अच्छा कर रही है ना, इनाम दिया है। अच्छा अच्छा, चलो भाई फिर तो ठीक है। शुक्र है वो लोग अर्सला से खुश हैं। दुआ करता हूँ मैं कि उन लोगों को अर्सला शिकायत का मौका ना दे। भाई अब हमारे घर का दारोमदार उसी पर है। मेरी अर्सला है ही बहुत समझदार, वरना कब की हसीना भाभी तो उसे वापस भेज चुकी होती। अच्छा अच्छा, अब ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। वैसे अब्बा, अर्सला को मुदस्सर चाचा ने कोई बहुत ही महंगा फोन दिया होगा। तुम ठीक कह रही हो। वैसे मैं सोचता हूँ कि अर्सला के पास फोन होना ही नहीं चाहिए। मैं बार बार फोन करेगी तो घर के कामों में खलल आएगा ना। मैं तो कहता हूँ कि बस वो किसी के हाथ भिजवा दे उस फोन को। अब आए ना फोन उसका तो कह देना। अरे अब्बा, मैं उसे खुद कह देती हूँ कि वो फोन यहाँ भिजवा दे, लेकिन मैं पहले ही बता रही हूँ वो फोन मैं रखूंगी। ठीक है। अब सही से दबाने लगी हो तुम। हसीना चाची, वो घर से फोन आया है। कोई जरूरत नहीं बात करने की, ये भी कोई वक्त है फोन करने का? बंद कर दो। मुदस्सर ने भी नया तमाशा शुरू कर दिया। ये रोज रोज क्या बातें करोगे तुम घर वालों से? रोज नहीं, अभी ही फोन आया बस। तुम नहीं करोगे तो वो करेंगे। रोजाना एक नई फरमाइश होगी उनकी। होश करो लड़की, तुम्हारे घर वाले तुम्हें पैसा कमाने की मशीन समझते हैं। कुछ नहीं बचेगा तेरे पास, ना हिम्मत ना ताकत और ना ये जवानी। बस बेटा, एहसान होगा तुम्हारा हम सब पर। घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में बेटा। खुदगर्ज, लालच की मारी, बेहिस और बेशरम। नहीं माँ, अर्चला का फोन आया है, जल्दी आओ। आई अम्मा। तुम तो मुझे भूल ही गई हो नहीं अम्मा। कभी बात भी नहीं करती, इतनी मसरूफ हो। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे जाने के बाद घर के सारे काम मुझे करने पड़ते और खाला के घर का काम भी। अम्मा ने तो ऐसा लगता है जैसे ड्यूटी लगाती है मेरी। मुझे पता है कि मेरी बहन बहुत काम करती है। अच्छी बात है, खाला का भी ध्यान रखा करो। कैसी है बहन की तबीयत? बेहतर है, अब ठीक है। और आते उसे क्या होना है? एकदम खुश बाश है, मजे से ऑफिस जाता है, शाम में घूमता फिरता है दोस्तों के साथ। खाला उसके लिए लड़की देख रही है, तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी, कभी भी शादी कर देंगी। हेलो हेलो, सुन रही हो? हाँ सुन रही हूँ मैं, बोलो तुम। मेरी मानो तो तुम भी लानत भेजो आतिफ पर। वो तो तुम्हारा नाम भी सुनना गवारा नहीं करता। मेरी कौन सी बात मानते हो? सारे जमाने में एक तुम्हारा ही कहा तो मानता हूँ, तमाम उम्र मानता हूँ। देखना तुम, बहुत खुश रखूंगा मैं। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरी और उसकी लड़ाई भी हो गई। कोई जरूरत नहीं है किसी से भी लड़ने की, और मेरा तो कोई ताल्लुक भी नहीं है उससे। अच्छा सुनो, वो जो मुदस्सर चाचा ने तुम्हें फोन दिया है, अच्छा होगा ना? हाँ ठीक है। सुनो तो वो किसी तरह मुझे भिजवा दो ना, मेरे पास इतना बेकार सा फोन है, जरा मैं भी तो मोहल्ले वालों को दिखाऊँ ना अच्छा फोन। तुमने कहाँ जाना होता, तुम तो कहीं नहीं जाती।
असला बेटा जी, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मना भी करती हूँ नहीं मां को कि मैं खाना खुद पका लूंगी, लेकिन जैसा तैसा पका के ही जाती है। भाई अभी नहीं आता ना उसको पकाना। अच्छा भला तो पकाया, इतने खलूस से वो काम करती है, हमें इस चीज की कदर करनी चाहिए। अपना घर छोड़ के आती है रोज हमारे लिए। अरे तो मैं उसकी बुराई थोड़ी कर रही हूँ, वो भी मेरी भांजी है। लेकिन हकीकत तो यही है बेटा कि अरसला के हाथ में जो मजा है वो नईमा के हाथ में 1% भी नहीं है। अरसला की तो क्या बात है, जिस काम को हाथ लगाती है चार चांद लगा। अम्मी कितनी दफा आपको मना किया, उसका नाम मेरे सामने मत लिया करें, उसका जिक्र भी नहीं सुनना चाहता, ना ही उसकी शक्ल देखना चाहता हूं, लेकिन हर वक्त आपको वो याद आती रहती है, पता नहीं क्यों। क्यों क्या हो गया, कल तक तो तुम उसके खुद दीवाने थे, अब क्या है? एक अरसला को छोड़कर सारे खानदान से नफरत थी तुम्हें, अब ऐसा क्या हो गया? कुछ भी नहीं है मेरे पास कहने को, थक गया हूं, बेजार हो चुका हूं इस जिक्र से, छोड़ दो बस। चची चाय लाओ। मदद से चाचा आपके लिए लाऊं कुछ? नहीं शुक्रिया बेटा। अरे सुनो, कल मदरसा तुम्हें तुम्हारे घर वापस छोड़ाएंगे। वैसे भी 2-4 दिन में हम लोग तो कनाडा वापस जा रहे हैं। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि मरहला हल हो गया। तुम अपनी पैकिंग रात में कर लेना, कुछ कपड़े निकाले मैंने तुम्हारे लिए, उन्हें भी साथ ले जाना। तुमने बहुत इस घर का ख्याल रखा है और मेरे दिल में बहुत कदर है तुम्हारी, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। कैसे छोड़ दूं, मेरी एक ही तो बहन है। मैंने सोचा था ये रिश्ता हो जाएगा तो खानदान एक साथ बंधा रहेगा, लेकिन तो हर उम्मीद ही खत्म हो गई। खानदान तो अब भी बंधा रह सकता है अम्मी, किसी एक के होने या ना होने से जिंदगी रुकती तो नहीं है ना। और फिर शनाज खाला की कोई एक बेटी तो नहीं है ना, मैं नईमा से शादी करना चाहता हूँ। वो हर लिहाज से अच्छी है, आप खालो से बात करें चाहे तो आज ही। इस बेचारी के हिस्से में तो सिर्फ दुआएं आएंगी, पैसे नहीं। पैसे तो साबिर और शनाज ने अपनी दूसरी औलाद पे खर्च कर दिए होंगे, इसके लिए तो कुछ बचाए भी नहीं होगा। खैर थोड़ा बहुत मैं तुम्हें दे दूंगी। बेटा तुम अपनी पैकिंग कर लो, कल हम सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। मैं घर फोन करके इतला कर दूं? कोई जरूरत नहीं है। खबरदार जो तुमने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला, खामोशी से चुपचाप वहां चली जाओ। अगर वाकई जाना चाहती हो ना तो उन्हें इतला मत करना। खुदा के लिए वहां जाकर ना घर पर बैठ के ही काम करना, कोई भी काम कर सकती हूँ, ट्यूशन, सिलाई कढ़ाई। फिर अगर घर से बाहर निकली ना तो सब कुछ खो दोगी। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ जाके काम करो। अम्मी अब आप भी अरसला को याद किए जा रही हैं, ये जानते हुए भी कि मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। वो इंतहाई घटिया, खुदगर्ज और लालची है।
खामोशी जबर करो। मैं अरसला के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि उसकी कोई बुराई नहीं किया करो मेरे सामने। वो ऐसी नहीं है जैसा तुम समझते हो बेटा। वो इससे भी बुरी है अम्मी, किसी की परवाह नहीं है उसे। सब कुछ तोड़ फोड़ दिया उसने, हर रिश्ते को भुला दिया है, मेरी मोहब्बत को ठोकर मारी है उसने अम्मी। बहुत ऊंची चीज समझने लग गई है ना खुद को। खूब पैसा कमा रही है, बड़े शहर में रह रही है, अब यहां क्यों आएगी वो? कौन बैठा है उसका ये, जिसके लिए वो यहां आए? देखो, एक तो खाना वक्त पे बनना चाहिए और दूसरा एकदम फिट होना चाहिए जायका है। अगर गड़बड़ की ना पैसे काट लूंगा तुम्हारे, समझे? ऐसे तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो साबित, और ये तुमने बहुत अच्छा किया कि अपनी छोटी वाली बेटी की मंगनी कर रहे हो। भाई फर्ज जितनी जल्दी अदा हो जाए उतना ही अच्छा है। हाँ, आज देखो मंगनी कर रहा हूँ, खैर से दूसरे महीने शादी की तारीख रख रहा हूँ। अच्छा, अब तो फारिग, अल्लाह अल्लाह खैर से। और बहुत खुश नसीब भी हो, बहुत अच्छा दामाद मिला है। और मैंने सुना है अब तो नौकरी भी अच्छी कर रहा है आतिफ। अरे मिर्जा साहब, सुपरवाइजर लगाया है, सुपरवाइजर, तनख्वाह बोनस सब मिलता है। और फिर घर का देखा भला लड़का है, नेक है, मेहनती है। पहले तो तुम्हारा इरादा अरसला बेटी की शादी आतिफ से करने का था ना, दोनों की बात भी बचपन से तय थी। वो बात तो कब की खत्म हो गई। अच्छा, तो सारे नसीबों की बात होती है मिर्जा साहब, दोनों का जोड़ नहीं था। और वैसे भी अरसला जो है वो बेटी नहीं है, बेटा है मेरा। मैं सारा घर संभाल रखा है उसने। उसने मुझे कह दिया है कि मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी बेटी नहीं हूं, बेटा हूं। सारी जिंदगी आपने मेहनत की है, अब मुझे खिदमत का मौका दीजिए ताकि मैं अपनी आखिरत संवार। तुम्हारा जो जी चाहे समझो, जो जी चाहे कहो, लेकिन मेरी नजर में अरसला बेमिसाल है। तुम क्या समझोगे उसके सफर और उसकी कुर्बानियों को, जबकि उसके अपने माँ बाप ने उसकी तरफ से आंखें फेर ली। कोई उसके बारे में बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। क्योंकि हमें बात उसके बारे में की जाती जो बात करने के काबिल होते। बहरहाल आप क्या ही अरसला का गम लेके बैठ गए हैं? आज मेरी मंगनी है नई माँ के साथ, आज के दिन मैं बहुत खुश रहना चाहता हूँ, बल्कि मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं। मुझे नई माँ जैसी सीधी साधी लड़की जो मिल रही है, जो हर कदम पे मेरा साथ देगी, मेरी महदूद आमदनी में गुजारा करेगी, भला और क्या चाहिए मुझे? बस सवालों के जवाब बेटा सिर्फ वक्त देता है। मिर्जा साहब सच्ची बात है, आजकल की बच्चियां लड़कों से ज्यादा घर की जिम्मेदारियां संभालती हैं। आप अपने अपने मोहल्ले के लड़कों को देख लो, एकदम सारे निकम्मे आवारा, और बच्चियां माशाल्लाह। खैर अब्बा, ये भी ज्यादती है, लड़का हो या लड़की सबको जिम्मेदारी एक जैसी उठानी चाहिए। अब किसी एक के कंधों पे सब सवार हो जाएंगे तो इस तरह तो हक तलफी भी होगी और गुनाह भी। ये तो कोई बात नहीं हुई कि किसी एक को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाए और सारे अपने अपने काम करके निकल जाए। तुम्हारा गुड्डू कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगा है? जरा तमीज नहीं है कि बड़ों के बीच में नहीं बोलते? कुछ अदब आदाब इसे भी सिखाओ। अबे क्या बकबक कर रहा है तू है? जा जाकर काम कर, इतने काम पड़े हुए हैं, जा अपनी माँ से पूछो।
वो काम रह तो नहीं गया, चल। अबे ओ, अबे क्या लकड़ियां जला रहा है यार, गीली लकड़ियां है, सारा धुआं ही धुआं हो रहा है। खाने का जायका ठीक होना चाहिए, समझे? सब बेईमानी है साबिर भाई, ईमानदारी और खुलूस रह ही कहां गया यहाँ। चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, शहनाज की घर के लिए निकलना है ना हमें। चलो पकड़ो, अंगूठी तुम्हें नईमा को पहनानी है, वही अंगूठी है जो तुमने पिछले साल असला के लिए ली थी, उसके नसीब में नहीं था। बहुत ही खास चीज है। अच्छा, खास लोगों के लिए। और कहाँ है वो खास लोग? मुझे तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा, छुपा के रखे हैं क्या? ऐसे ही समझ लो कुछ, कभी कभी तो मैं खुद भी गौर से नहीं देखता, नजर लग जाने का डर होता है। अच्छा सुनो, देखोगी नहीं कि मेरे हाथ में क्या है? कब से तो कह रही, मगर तुम तो तभी दिखाओगे जब तुमने दिखाना। कैसी लगी? बहुत खूबसूरत, खुद लेकर आया? हाँ, खुद पसंद की है, इतनी मुश्किल से। और तुम्हें पता है उसके बाद मैं दुआ मांगता रहा कि अल्लाह करे तुम्हें भी पसंद आ जाए, बात तो तभी है ना। अच्छी लगी ना? मुझे वो हर चीज पसंद है आते जो तुम्हें पसंद है। चलो मुझे अपना हाथ दो। अभी नहीं, मैं इसे कहाँ छुपाऊंगी, अम्मा दस सवाल करेंगी और नईमा तो पीछे ही पड़ जाएगी। तुम इसे भी अपने पास रखो। आतिफ, तो मुझे कभी अकेला तो नहीं छोड़ोगे? मुझे बहुत डर लगता है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा अरसला, लेकिन तुम मुझे छोड़ के अकेला कर दिया मुझे तुमने, बिल्कुल अकेला।